तू मन बनाओ, अंदर से सांस लो ऐसे, रुक जा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि हम लोग एक कहाँ किचन में, और ये हमारे प्यारे से असिस्टेंट शेफ, ओह गॉड, शेफ, मिनी शेफ। और आज ये बिग शेफ, वो मिनी शेफ। और आज हम लोग करने वाले हैं एक धासु रेसिपी नहीं, एक मस्त सी टेस्टी सी रेसिपी, वो है ग्वाकामोली। और मुझे वो बहुत पसंद है, वो बनती है अवोकाडो से। शेफ अवोकाडो प्लीज। और ये बनाई थी दिल्ली से, वहाँ पर थोड़े रीजनेबल मिल जाते हैं, हल्द्वानी में कहीं पर नहीं, मतलब हल्द्वानी में एक जगह पर मिल जाते हैं, बट इट्स लाइक सुपर एक्सपेंसिव, समवेयर अराउंड 160 या कुछ का पड़ता है, और मुझे वहाँ पर 80 का मिल गया था। सो मैं दो ले आई। अब होपफुली अंदर से सही हो, हेल्दी हो। अब फटाफट से बनाते हैं अपनी क्या यही बोलते हैं, बट आई गेस ये होता है, इट्स जस्ट लाइक कि ब्रेड होता है, ब्रेड ब्रेड है हमारे पास, ब्रेड नहीं है, खत्म हो गई। कैसे शेफ हो तुम, कैसे शेफ हो? पहले जाते हैं ब्रेड लेके आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बार ऑनलाइन हमें रेसिपी भी देखनी पड़ेगी, रेसिपी भी देखनी पड़ेगी। चलो चले गेट खोलो। यस, अब हम जाएंगे किसमें, अपनी छोटी सी प्यारी सी स्कूटी में। शेफ गाड़ी निकालिए। आ रहे आ रहे। यहाँ पर भी नॉर्मल वाली है, सो प्रोबेबली वी विल टेक मल्टीग्रेन। देखो अपनी चीज बच्चों को दिखी जाती है, इतने हल्के से बोला ना, सिर्फ पॉप्सिकल चाहिए। एक चाहिए और अपने ले लो। ले करा रहे हैं हम क्या, नाल पानी पैक। अपनी चीज मिल गई इसको बस। तो हम ले आए ताई ब्रेड, हम यहाँ से इतनी दूर गए थे ब्रेड लेने, और वो शॉप भी कंस्ट्रक्शन में चल रही थी, फिर हम कहीं और गए, और वहाँ जाते ही तुम्हें तो पता ही है, एक चीज लेने जाओ और मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ तो जयू भी नहीं है साथ में, कैसे बोलोगी। तो मम्मी हम बनाने जा रहे हैं अवोकाडो। आपने से पहले अवोकाडो खाया है? नहीं। तो आज आप टेस्ट करके बताओगी कैसा होता है, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, अभी हम ना थोड़ा सा शेफ कारीगरी कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए। छोटे शेफ बड़े, बड़ा ही शैतान बदतमीज किस्म का शेफ है हमारा। चलो शेफ काम पे लग जाओ, पहले हम निकालेंगे रेसिपी। हमें भी नहीं पता भाई क्या रेसिपी है। पापा आपने खाया है अवोकाडो? तो आज पापा भी टेस्ट करेंगे। चलो भाई। सो हमें चाहेंगे दो अवोकाडो, एक यहाँ भी, और ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, हम इंडिया के बाहर से हैं और हम इंडिया आए हैं, और आज हम इंडियन लोगों को ग्वाकामोली खिलाएंगे। ग्वाकामोली खिलाएंगे। सो हमने पहना हुआ है अपना सनग्लास जस्ट टू प्रोटेक्ट, एंड ये हम लाए थे बाहर से। या दिस इज फ्रॉम कैलिफोर्निया, हम लोग कैलिफोर्निया से हैं, और ये हमारे छोटे शेफ शेफ, आई मीन शेफ, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बाबरची। बाबरची। सो या लेट्स स्टार्ट। और हमें चाहिए होंगे, प्लीज कैन यू होल्ड द कैमरा, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लीजिए। और हमें चाहिए होंगे लेमन्स, एंड देन अनियन, क्या कहते हैं इसको, इसको प्याज, या प्याज, एंड दो टमाटर, लाल लाल टमाटर। तो हम इन सब से बनाने वाले हैं आज क्या, नमस्ते इंडिया, ग्वाकामोले। हमें चाहिए होगा स्पाइसेस को, मसाले के लिए हमें चाहिए होगा क्या कहते हैं उसको, ऑरिगैनो इन आवर लैंग्वेज, बट हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मैडम को भी नहीं पता, इनके तो फीस काटनी पड़ेगी। एंड हमें वो चाहिए होएगा, और चिली फ्लेक्स, आई मीन इट्स आप पे ही डिपेंड करता है, अगर आपको मिर्च खाना बहुत पसंद है तो आप डाल सकता है, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकता है। ठीक है, वाओ इट्स लुकिंग लवली। प्यार सच में मुझे ना एक अलग ही प्यार है एवोकाडो से। ये बात इसको पील करना है,
ओके आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मार नहीं थी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं शिवांगी से काम कर रही हूँ, बट इसको सब्जी काटना और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। मैं कह रही हूँ कि मैं कर रही थी बट शी इज सेइंग नो, तो मैडम खुद कर रही हैं, करने देते हैं, इट्स अ गुड थिंग, बड़ों की हेल्प करना बच्चों को काम है। हाँ गुड गर्ल गुड गर्ल। तो जब तक शिवांगी इसको बनाती है चॉप करती है, हम लोग रेडी करते हैं काफे। काफे हम बनाएंगे राइट, कैफे एंड उसके साथ वी हैव टू टोस्ट क्या ब्रेड, या हमें ब्रेड भी टोस्ट करना है। तो मैं मसाला बनाती हूँ, तुम ब्रेड टोस्ट कर लिए। या तो छोटे शेफ करेंगे मशरूम, क्या कहा आपने, मसाला। हाँ मसाला तैयार, और तब तक हम करेंगे कॉफी एंड ब्रेड ब्रेड टोस्ट। या लेट्स डू इट। सो हमें लेना है ब्रेड एंड केन। डाइट कॉन्शियस पीपल अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इट टेस्ट जस्ट यम। आई नीड दिस, आई वाज जस्ट टेस्टिंग। तो ये हम इसको ऐसे से कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। क्या कहते हैं इसका, बटर? थोड़ा सा घी और इया करके सेक लेंगे। ओह माय गॉड, मैं तो अपने पंजाबी लैंग्वेज मांगी थी। ठीक है, काम करिए काम, काम करिए काम। बेबी आओ आओ, ये क्या लाया गुन्नी, आओ तुम कैमरा को हाई कर दो, चलो हाई कर दो। तो हो गया 5 breads for 5 people। अब हम जा रहे हैं बनाने कैफे, ये ख़त्म होने वाली है। दिस इज माई फेवरेट कैफे एंड हम मैंने ना सच में लॉकडाउन के टाइम पे यही किया, बस कॉफ़ी को कैसे फेंटना है, कितने परफेक्शन के साथ फेंटना है, यही किया। और हम आज भी हम यही करेंगे, आज हम बनाएंगे कौन सी कॉफ़ी, दैट काउंट्स डालगोना कैफे। मैडम कितना फाइन जॉब किया, वेरी गुड गुड जॉब गुड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड। फीस बढ़ा दीजिए मैडम, कैमरा बंद करती हूँ, फीस बढ़ाती हूँ। यस वन मोर थिंग कि जिस दिन आप ये सब कॉफ़ी बनाना चाहें तो अपना आप जिम स्किप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बाइसेप्स वाले डे है तो घर पे ही बन जाते हैं बाइसेप्स। आई स्वेयर शिवांगी प्याज काट दी थी, शिवांगी संघर्ष मुझे देखा नहीं जा रहा। इसने ये आंसू नहीं है, इसने भी मुंह धोया आंसू के बाद, अब मैं काटूंगी। आई थिंक आई कैन हेल्प हर। से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और नहीं है क्या? आर यू रेडी टू टेस्ट द एवोकाडो? हम कैलिफोर्निया से शेफ बुला के लाए हैं टू मेक एवोकाडो गुआकामोली। बोल, मैं जा रही बस जा रही बस। आर यू रेडी? तुझे नहीं खाना, ये अब खाएगा, इसे खाना पड़ेगा, इसे खिलाया जाएगा। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, कट कुट ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। चलिए तो नाउ आई एम गिविंग क्लासेस अपने छोटे बाबरची को, सो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, आप ऐसे ही करेंगे ठीक है। सो इसे मैश कीजिए, ताकत लगाइए। आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, स्पून से भी, अगर ये ज्यादा पका होता है तो हम इसे किससे मैश कर सकते हैं, स्पून से। यस, फोक से भी कर सकते हैं। हम उसे हिंदी में काटा कहते हैं, काटा छुरी। काटा लगा आज कर लेना। इसमें मैंने पहले ऑरिगेनो थोड़ा सा डाल दिया था, तो मसाले में इसमें सिर्फ ऑरिगेनो डलता है और थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स, मतलब अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। अरे आई थिंक प्याज थोड़ा कम डालना पहले, सॉरी बस इतना बाद में मिक्स करने के बाद इफ यू फील लाइक। अब इसको फिर से आप इसे मिक्स कीजिए, वेरी गुड। लेमन जूस डालिए ताकि थोड़ा पतला हो जाए। मास्टर शेफ
सो हमने इसमें निचोड़ लिया है नींबू, हमें सिर्फ दो नींबू लिए हैं, अगर उसका रस ज्यादा है तो एक से काम हो जाता है, लेकिन अब हम इसमें अपा डालेंगे क्या, नींबू, नींबू आई थिंक इट्स इनफ। अब हम इसको करेंगे विस्क, अब ये थोड़ा क्रीमी हो गया है। मेरी बारी, हाँ हाँ आवाज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल जाती हूँ कि आई हैव असिस्टेंट्स, यू नो इंडिया में सबके घर पे ये जो चिली फ्लेक्स बचाए रखते हैं सब लोग और ऑरिगेनो, हम वही डालेंगे। बस अब उसमें चिली फ्लेक्स डाल दो, एक डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आई थिंक इट्स इनफ, करेंगे इसमें ये सब स्प्रेड अच्छे से स्प्रेड, और अब तक हम लोग बनाते हैं कॉफी। Let's do it. Dalgona sahi bana hai, hai na? Jo bhi kaho. So it's like yum. Ab hum isme dalenge milk. Mamma mia. Bahut tasty. Mujhe to bahut hi pasand hai. Let's see. Aur loge kya reactions hote hain. अंशु यार बदतमीजी मत कर यार, मैंने देखे तो प्यार से यार ये अच्छा नहीं होता यार, मैंने सुना है बहुत बहुत टेस्टी होता है यार, नहीं यार इट्स वेरी हेल्दी, वही मैं कह रहा हूँ ये हेल्दी होता है और हेल्दी चीजें टेस्टी नहीं होती यार। आज तुम्हारा इसको लेके थोड़ा चेंज हो जाएगा नजरिया, आपका ब्रेड तो पसंद नहीं आया मेरे को, कड़क होना चाहिए ब्रेड थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, लुक्स में डिसीव, धक 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 धक, जैसे मैंने बोला लुक्स में डिसीव, दिखने की जो चीज अच्छी नहीं होती है वो खाने की अच्छी हो जाती है, बट नॉट इन दिस केस, I'm sorry, सच में नहीं बोल, बट आप मास्टर शेफ से बाहर हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा है। बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा है, अच्छा नहीं डराना यार, मैं खा लूंगी ना ज्यादा, बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, लगता है ना मतलब इतना भी गंदा नहीं हो रहा है, बट ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत गंदा हो रहा है, कितने नंबर दे जाए, आई विल रेट इट 9.5 आउट ऑफ 100, कितना पसंद है, नहीं यार बस हो गया भाई, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना, कितने मार्क्स मिलेंगे, फुल फुल, याय, अब मम्मी की बारी है, मम्मी और पापा का रिएक्शन देखते हैं, ले ये खिला दे मम्मी पापा को, कितना पसंद है, तू सोचा तुझे पसंद आ गया नहीं है, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी, तू मेरा दिल रख रहा था ना, नहीं नहीं ऐसा क्यों करूंगा मैं, टेस्टी हो रहा है बहुत, तू खा, अब मैं रिकॉर्डिंग क्यों करेगा, अभी सबको एक एक इसमें से खिला देने, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं करूंगी, तू पूरा खाएगा नहीं, बहुत ही बदतमीज है, नहीं नहीं ठीक हो रहा है, कॉफी कॉफी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, आर यू रेडी, अब हम ताई और ताऊ का रिएक्शन करने जा रहे हैं, मी आइए पहले आप, अरे आप आप बढ़िए आप बढ़िए, पहले ताई आएंगी, चलो फिर जरा दद्दा को ही टेस्ट करवा दीजिए, भैया टेस्ट करिए और बताइए कैसा लग रहा है, मास्टर शेफ लगता है पसंद नहीं है, सही है, कितने नंबर देंगे सर आप, 200 में से 200, वाव ये मेरे भैया, ये मेरे भैया, चलिए आइए ताई आपके बारे में, कॉफी भी है और टोस्ट भी है, खाइए, अभी बनाया तुमने, हाँ बस मैंने और शिवांगी ने, मैं और मिनीषा, चलिए मेरे को कोई वो मत देना अगर गंदा होगा तो, बताते रुक जा बेकार है बेकार है, क्या हो रहा है मम्मी, क्या है अवोकाडो मंडे, ये हम तुम्हारे लिए कैलिफोर्निया से लाए हैं, आज तक कभी खाया नहीं, आप पहली बार खिला रहे हैं, तो ये कैसा हो रहा है, क्रीम क्रीम सा, अच्छा सा, हाँ। कैसा लगा आपको, 10 में से कितने नंबर देंगे आप, मुझे तो अच्छा नहीं कसम से मुझे पता था जो चीज़ मतलब हेल्दी और अच्छी होगी ना वो मेरे घर वालों को कभी पसंद नहीं आएगी,
बट ठीक है, तो वापस क्यों खा रहे हो? इनको खाना भी है और इनको मेरी मजाक भी उड़ानी है, समझ रहे हो? मम्मी रख दो वापस, नहीं खाया जा रहा। खाई लेती हूँ, बनाया यार। मत खा, मैं खा लूंगी ना। कॉफी पियो, कॉफी टेस्ट करिए। चल कॉफी टेस्ट कीजिए मैम। कॉफी बढ़िया बनाई है। थैंक यू। इस सीट में विराजमान होंगे ताऊ, मतलब पापा। चलिए ऐसे नहीं खाना होता ना, उसको ब्रेड के साथ खाओ। खाइए खाइए, नहीं ऐसे नहीं खाना है पापा। ये लीजिए खाइए ताऊ, पूरा खाइए। तबे क्या बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना पापा? हाँ। अच्छी चीज नहीं पसंद, हेल्दी है बहुत। चलो एक अंशु को और पापा को पसंद आया, अब शिवांगी की बारी। इसके बाद शिवांगी ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। चलिए आइए शिवी, चलिए। हाँ, तो हम टेस्ट करते हैं। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10। देखा, सबको पसंद आया। और कॉफी पीजिए मैडम, कॉफी पिए। हाँ, हमारे छोटे शेफ, आप ही ने बनाया है मैडम ये नहीं, मतलब वो भी सही है। सही है, अच्छी है, मतलब क्या? अच्छी है। चलो अब हमें मिले हैं कितने में से, 5-6 जने हो गए ना, मेरे को एक्सक्लूड करके 5 जने हो गए। तो 5 में से हमें सिर्फ एक वो जो बैठ के पूरा खा गया उसको पसंद नहीं आया, बाकी सबको पसंद आया। इवन हमारे जयू भैया को भी पसंद आया। सब बच गया है, पापा को पसंद आया, तो हम एक और बना रहे पापा के लिए। एंड इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर सपोर्ट। काफ़ी फन था, और छोटे शेफ की साइड से भी चलो ब्लॉग एंड कर रहे हैं। थैंक यू बोल दो सबको। थैंक यू, सब्सक्राइब करना बस। बस आप लोग सब्सक्राइब करना, 100 के बना दो। चलो गाइस, आई एम गोना सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।